अभी तबीयत कैसी है? मेरा कमरा दवाइयाँ। तो मामी आज क्या मिलेगा खाने में? क्या खाओगे? हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हालचाल आप सभी के। मैं आपका भाई अनस पठान दोबारा आ गया हूं एक और बहुत बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तो उठते ही भैया मौसम हो रहा है बड़ा अजीब सा, मतलब घटा हो रही है, धूप हो रही है, विचित्र मौसम हो रहा है। आज के दिन मतलब घर वालों की तबीयत सही है, मतलब पापा भी थोड़ा घूम घूम रहे हैं, घर पे बातें चल रही हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है ऐसा माहौल देख कर। तो आपको अभी मुझे जाना है द्वारका किसी काम से, तो पहले आओ घर वालों की रिपोर्ट आपको बता दे। आलो हाँ भाई, तबीयत कैसी है? सही है? बुखार उखार दो तीन दिन से नहीं आया ना? तो बिल्कुल हफ्ता हो गया है। चलो ठीक है, और आज तो खा भी रहे हो, क्या खा रहे हो? जो बच्चे बाहर घूम रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हो? बेटा अंदर रह लो बेटा, हालत बिगड़ जाएगी, बहुत बुरी खतान है। और अगर किसी को कुछ हो जाए घबराए ना हो? और हो जाए तो घबरा नहीं, लेकिन भैया होने तक पहुँचोगे मत बेटा, अंदर रह लो, बहुत खतरनाक मामला है। मम्मी तुम्हारी तबीयत सही है आपकी? और घर का हाल आप ये देख सकते हैं, दवाइयाँ हर प्रकार की दवाइयाँ। मैं अपने कमरे में भी दिखाता हूँ, वहाँ पर अलग दवाइयाँ। खाओ भाई खाओ, मुझे भी चलो, मेरा तो रोज़ा है, मैं तो आज खा नहीं पाऊँगा खिचड़ी, अब से हमने रोज़े भी स्टार्ट कर दिए हैं। ये देखो भाई, ये मेरा कमरा है, दवाइयाँ और वो डेट्स मतलब खजूर, तो ऐसा कुछ हाल हो चुका है। तो भैया हम सोचे थे गाड़ी से अपना काम निपटा ही आते, पर गाड़ी, अरे भाई साहब रात को बारिश हुई थी क्या वैसे देने? अरे भुक्रम हो रही है तो, अरे यार चलो इस पर थोड़ा कपड़ा मार लेते हैं। अब यार ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है, बाइक से ही चलें क्या, क्या करें? चलो इसको साफ़ तो कर ही देते हैं, साफ़ करके फिर इस पर कवर ढक देंगे आज। तो भैया पानी मार लेते हैं क्योंकि गाड़ी भैया कुछ ज़्यादा ही गंदी हो रही है, पानी मारते हैं फिर काम निपटाते हैं, फिर इस पर कवर ढक देंगे। भाई साहब कई बार ऐसा होता है कि आप किसी काम को छेड़ तो लेते हो, फिर बीच में ऐसा लगता है भाई यार इसकी बहन गया, क्या ज़रूरत थी इस काम की। हाँ अभी पानी वानी मार दिया, अब सूखा कपड़ा मारते हैं एक बार, थोड़ा आराम करते हैं फिर अपना काम निपटाते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं थी इस काम की जो मैंने ले ली पड़ी डंडी। ओ भाई साहब प्यास लग रही है, पानी पी नहीं सकते क्योंकि हमारा आज रोज़ा है। हाँ तो थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो और कुछ लाना है? कीवी, चलो ठीक है। सो जी हम चलते हैं ये दवाई लेने, जो वहीं मिलेगी द्वारका में, और आते में कीवी भी लेना। और क्या है बता देना, कुछ याद है व्हाट्सएप कर देना सबसे। अरे यार पहले पास का काम निपटाएं हैं यहाँ जो, अरे जो आजकल हमारे घर में खाना बन नहीं पा रहा है क्योंकि तबीयत ख़राब है लोगों की, तो भला हो हमारे पड़ोसियों का जो हमें बना बना के खिला रहे हैं, तो उनके घर पर ही देने जा रहा हूँ मैं इतनी सारी सब्जियाँ। अब पड़ोसियों से भी पसंद की सब्जी बनवाओगे यार, जो मिल रहा खा लो चुपचाप। हाँ तो कुंडी निकल गई गेट की भाई। ये कुंडी कैसे निकली वैसे? अनोखा घर है हमारा भी। ये जी इतनी सारी सब्जियां देने जा रहा हूँ, पापा भेज रहे। तो मामी आज क्या मिलेगा खाने में? खाओगे? मैं पापा से वही तो कह रहा था, मैं कहा बीमारी में भी तुम्हें चैन नहीं है, अपने मनपसंद का खाना चाहिए। पूछो ना पापा से क्या खाएंगे आप? अरे कुछ भी बना दो यार। ऐसा कोई नहीं चल रहा। तो भाई यही है, मतलब बहुत सबसे पुराने हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी नहीं घर के आसपास ही रहते हैं, तो मैं मामी बुलाता हूँ उनको, बहुत पुरानी लंबी स्टोरी है, किसी दिन सुकून में बैठ कर समझाऊंगा यार लसीन। तो इन आंटी ने मुझे ऐसा देखा जैसे इनकी लड़की छेड़ दी हो मैंने। हद हो गई यार। तो ये काम निपट गया और अब जाएंगे हम दवाई लेने द्वारका,
गाड़ी से ये भी निकलेगी भाई बहुत दिनों बाद, नहीं अभी हाँ तीन दिन बाद निकलेगी, ये भी तीन चार दिन बाद। साफ तो हुई नहीं साली, इतनी कपड़ा रगड़ा इस पे यार, घर की चीजें गिर रही हैं कभी कुछ कभी। अरे खोल दो, गर्मी लग रही है यार, रोने में मुझे डुलवा रही हो। हाँ ये निकली कैसे, ये तो समझ नहीं आई। अरे वाह भाई, शकील की थोड़ी तबीयत सही होती, धह चक्कर। आराम कर लो भाई, आराम कर लो। हाँ धह चक्कर लगा रहे हो। चलो जा रहा हूँ मैं, पड़ चक्कर। बिल्कुल बहुत अच्छी जा रहा था, मुलायम 2 किलो ले ली। अरे जैसे भी है मैसेज कर देना मेरे को। अच्छा ठीक है, मैं मैसेज कर दूँगी। लो भैया चाबी दे दो, ये पर्चा ले लिया। चाबी जेब में है। चलो तो चलता हूँ फिर, अभी पहले गाड़ी एक बार खोला हूँ क्योंकि गाड़ी भट्टी बननी होगी। एक मिनट आ जाओ जी, इसको खोल दें, थोड़ी देर चला के छोड़ दें, कहीं हम भस्म हो जाए इसके अंदर। और जो आप कह रहे थे ना कि नारियल पानी जो पीछे गया, जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि भाई ये 70-80 वाला नारियल पानी वाला सीन, तो भाई वो गाड़ी को देख के नहीं कह रहा था, मैं बाइक से गया उसने जब भी 80 का ही दिया, तो फिर पता चला कि नारियल पानी के रेट बढ़ गए हैं, उन्होंने बढ़ा दिए हैं। पता नहीं भैया क्या हो रहा है ये सब सिस्टम, दवाइयाँ भी ऐसे हो गई हैं कि भैया कल मैं दवाई लेने गया था तो दवाइयाँ भी वो कह रहा है अरे यार ये पत्ता नहीं आ रहा, वो पत्ता नहीं आ रहा। अरे भैया पता नहीं समझ से ही आ रहा है क्या, मारा मारी चल रही है, अजीब ही मैटर है। और यार मुझे ना एक चीज़ भी बताना कि भाई आपकी अगर गाड़ी वाड़ी में भी ऐसा सीन हो रहा है, मेरी का एसी चला गया कि मतलब बहुत देर तक साला ठंडा ही नहीं करता, पसीने आ रहे होते हैं, खिड़की बंद कर ली जब भी, मतलब स्टार्टिंग में खिड़की खोल दी थी कि मतलब जो गर्मी है अंदर हीट है वो निकल जाए, फिर एसी अभी तक तो भैया ये इसमें ठंडा नहीं करा। आप ये बताना कि मेरी गाड़ी का एसी भूल गया है, सबके साथ यही सीन हो रहा है। अभी 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 पता है क्या सीन हुआ यार, एसी की अगर हवा आ रही हो ना, सॉरी भाई बहुत गर्मी है, क्योंकि क्या सीन हुआ कि अभी ना एक स्कूटर वाले जाते थे, दो बंदे बैठे थे, आगे से एक बिल्ली रास्ता काट गई, और भाई आप यकीन नहीं मानोगे वो बंदे रुक गए, इनका बैग गिर गया यार, देख लिया अच्छा उसने, भाई वो बंदे रुक गए वहीं पर ही, मतलब बिल्ली ने रास्ता काटा और वो बंदे वहीं रुक गए खड़े हुए कि कोई और क्रॉस करेगा या फिर हम जाएंगे। तो भाई अगर आप भी ऐसा कुछ मानते हो तो मेरे को ज़रूर बताना, मैं तो ऐसे मानता नहीं हूँ, मैं तो सुटम सुट निकला भैया उसके सामने से, क्योंकि मेरे साथ भाई आप बोलोगे ये ऐसी फेंक रहा है, जब भी मेरे साथ मेरा बिल्ली ने रास्ता काटा है ना भाई, मेरे साथ उस दिन अच्छा हुआ है। बचपन में ऐसा होता था, बचपन में भाई मुझे पैसे गिरे मिल जाते थे, मैंने कहा अरे बहन क्या बिल्ली तो मेरे लिए लकी है, फिर मैं ढूंढता फिरता था कि बिल्ली कोई रास्ता काटे और मैं जाऊँ वहाँ पर, फिर कुछ अच्छा होगा। और एक और चीज़ होती है ना, सांप की मौसी उसके पूंछ पे आप वो लगाते तो पैसे मिलते हो, भाई मेरे साथ वो भी सच में हुआ है, उस पर पैसे लगाए और मैंने आगे जाकर मुझे 600 रुपये मिले थे, थोड़ी पुरानी बात है, 600 रुपये ऐसे लगे ना मेरे को कई लाख रुपये। उस टाइम वो चलता था वो खटके वाला वो गेम, तो आपके भाई ने वो दबा के खेला उन 600 रुपये से। अब भाई एक बात समझ नहीं आती है मेरे को, अभी ना आराम से चल रही है भैया, चलो ठीक है काम से जा रहे हैं, बलिनो वाला कांगिया दिखाऊंगा मैं आपको, उसने भाई हॉर्न दे देगा ना एकदम अंदर तक, एकदम ऐसा कर दिया डंडा दे दिया कि भाई अरे, मैंने कहा चलो भैया इसको ज़्यादा जल्दी कोई इमरजेंसी हो सकती है, हमने साइड भी दे दी, फिर भी भाई आगे नहीं निकल रहा, फिर भी हॉर्न दबाया जा रहा है, दिख जाए आपको दिखाऊंगा मैं, पता नहीं क्या आगे मेरे बलिनो वाले भाई के दिख ही नहीं रहे, तो ये शायद पीछे कहीं मुड़ आ गया क्या, मतलब ये मानो हॉर्न देने का एक लिमिट होती है, इसने वो वाली लिमिट ना पूरी पार कर दी, एक टाइम तो मैं हो गया मैं रोक के पूछ लूँगा भाई क्या दिक्कत है बताइए मेरे को। फिर भाई एक बार ऐसा भी आता है कि भाई कोई इमरजेंसी हो, बंदा जल्दी में हो, कुछ भी हो सकता है भाई, टाइम ऐसे बुरा चल रहा है आजकल, तो मैंने साइड भी दे दी, मैंने कहा भाई चल चला जा कोई बात नहीं यार, वो भाई साइड देने के बाद भी नहीं जा रहा, वो पीछे पीछे चल रहा है, फिर मैं दोबारा अपनी उस पर नॉर्मल पर आया, फिर वो हॉर्न दे रहा है, मैंने कहा यार इसकी बहन क्या, मैंने कहा इस पर तो गुस्सा उतार नहीं सकता हूँ, आपको ही बता देता हूँ ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, एक तो रोजा है तो गला सूख रहा है बोल के, हाँ पर इतने दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है तो भैया बतियाना तो पड़ेगा ही। और भाई क्या चक्कर है, लाइक वाइक नहीं कर रहे हो आपका भाई, थोड़े दिन गायब क्या हुआ, आप तो लाइक ही नहीं कर रहे हो भाई, मैं टारगेट रखने की सोच रहा हूँ इस वीडियो में, देखते हैं रखता हूँ नहीं रखता हूँ, कि एक टारगेट रखूँ भाई वो पूरा हो तो फिर अगली में थोड़ा टारगेट बढ़ाएं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में मुझे ज़रूर बताना। तो भैया दवाई भी समझ नहीं आ रहा कैसी है भाई, यहाँ भी 2 केमिस्ट में पूछ चुका हूँ मैं, 3रे पे जा रहा हूँ, यहाँ भी नहीं मिल रही, क्या कर सकते हैं, ढूंढनी तो पड़ेगी। चलो भैया ग्रीन लाइट हो गई, ये तो छोटी है, चलते रहो। भैया आखिरी दुकान पे पूछने जा रहा हूँ, अगर यहाँ ना मिली तो फिर सीधा घर जाऊँगा। तो भैया मुबारक हो, हमें दवाई मिल चुकी है,
और अभी हमें लेने हैं कीवी, चीकू और एक और चीज़ मम्मी ने व्हाट्सअप करी थी वो। तो जी अब हम पहुंच गए हैं जहां से हमें बाकी सामान लेना है। गाड़ी यहीं खड़ी कर देता हूं। हमारे चाचा विधायक भी नहीं है पर फिर भी हम यहीं खड़ी कर देते हैं। चलो। सो जी ये सारा सामान आ चुका है। और एक और चीज़ भाई, कीवी आज मैंने रेट पूछे, मैंने कहा ये ज़्यादा महंगी नहीं है, मतलब 55 रुपए की एक कीवी। मैंने कहा भाई साहब ये तो कुछ खतरनाक ही सौदा है। तो भैया सामान वामान आ गया है, अब ये ना हो कि भाई ये भूल गया हूँ। अब दोबारा हिम्मत तो है नहीं मेरे जाने की, बाकी घर में जाके पता चलेगा कि भैया कुछ भूलने तो नहीं भूले। बाकी मैं आपको मिलता हूँ घर पे। हाँ सो जी सारा सामान आ गया है, घर पे आ गए हैं, गाड़ी खड़ी कर दी है, लॉक भी कर दी है और इस पर एक बार कवर चढ़ा देते हैं। सो कवर भी चढ़ा दिया है। हाँ होए होए, कुछ कुछ भूला तो नहीं? जूस लाया तो यार, ये तो रिया मिक्स जूस तो बोला था आपने, जूस वालों की दुकानें बंद हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कोई नया बंदा देख रहा है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, लव यू और कीप स्माइलिंग और ध्यान रखो यार।